हेलो फ्रेंड, यह है इन्वर्टर किट। फ्रेंड, यह इन्वर्टर किट 12 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड, यह इन्वर्टर किट 150 वाट तक के लोड को चला सकता है। तो फ्रेंड, इस इन्वर्टर किट के थ्रू से हम CFL और LED ही जला सकते हैं। इससे फैन या फिर टेलीविज़न ये सब नहीं चलेगा। इससे हम सिर्फ CFL या LED बल्ब को जला सकते हैं। तो फ्रेंड, ये है इसका दो इनपुट वायर और ये है दो इनपुट आउटपुट वायर। इसमें हम देंगे 12 वोल्ट, इससे हमको प्राप्त होगा 230 वोल्ट। हम इसमें अभी 12 वोल्ट का सप्लाई देकर देखेंगे और देखेंगे कि LED बल्ब जला पाता है कि नहीं, और उसके बाद हम 100 वाट वाले बल्ब को भी जला कर देखेंगे और देखेंगे कि उसको भी जला पाता है कि नहीं, और यदि जला पाता है तो कितना जोर से जलता है। तो सबसे पहले मैं बैटरी लेता हूँ, 12 वोल्ट का बैटरी। तो देखिए फ्रेंड, ये है हमारा 12 वोल्ट का बैटरी। ये 12 वोल्ट का बैटरी है और ये हमारे पास एक बल्ब है जो 9 वाट का LED बल्ब है। तो हम इसमें कनेक्शन करके देखेंगे और देखेंगे कि ये बल्ब को जला पाता है कि नहीं। इस तरह करके हम इस इन्वर्टर किट से कम 9 से 10 बल्ब जला सकते हैं आराम से। CFL भी जला सकते हैं, लेकिन आजकल LED सबसे ज़्यादा प्रचलित में है तो हम LED जलाएंगे। इसमें हम देखेंगे LED जलाकर कि कितना जोर से जलता है, इसका ब्राइटनेस कितना रहता है, और हम फिर 100 वाट के बल्ब को भी जला के देखेंगे। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बल्ब के वायर को कनेक्ट कर देंगे। देखिए, ये आउटपुट वायर है 230 वोल्ट, हमारे पास इस तरह का ही होल्डर है, तो हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया मैंने फ्रेंड। अब मैं इसके इनपुट वायर में इनपुट देकर देखूंगा। तो ये देखिए, ब्लैक वायर जो है नेगेटिव पे लगेगा और ये रेड वायर जो है वो पॉजिटिव पे लगेगा। तो हम इस रेड वायर को पॉजिटिव पे लगाते हैं। ये हमने पॉजिटिव पर इसको लगा दिया और इस ब्लैक वायर को हम नेगेटिव पे लगाएंगे और देखेंगे कि बल्ब जलता है कि नहीं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि बल्ब जल चुका है। इल्यूमिनेशन यानी कि ब्राइटनेस काफ़ी अधिक है और आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट के बैटरी से ही ये चल रहा है। आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट के ही बैटरी से चल रहा है। फ्रेंड, अब हम इसमें 100 वाट के बल्ब को जला कर देखेंगे और देखेंगे कि कितना ब्राइटनेस उस बल्ब में हमको मिलता है, उसको जला पाता है या नहीं जला पाता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, हम इस बल्ब को हटाते हैं और हम लेते हैं 100 वाट का बल्ब। तो फ्रेंड, ये मैंने हटा दिया और ये फ्रेंड है आपका 100 वाट का बल्ब। तो फ्रेंड, हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे कि इस बल्ब को ये कितना ये जला पाता है या नहीं जला पाता है। तो सबसे पहले मैं आउटपुट को बल्ब के टर्मिनल में कनेक्ट कर दूंगा। मैंने बल्ब के आउटपुट टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। मैंने आउटपुट को बल्ब से कनेक्ट कर दिया है फ्रेंड। और अब इसमें हम इनपुट देकर देखेंगे। ये रेड वाला को हमने रेड प्लस टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया और ये जो ब्लैक वाला है वो हम नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करके देखेंगे कि ये बल्ब जलता है कि नहीं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं बल्ब जला है, सिर्फ उसका फिलामेंट जल रहा है। तो फ्रेंड, इस इन्वर्टर किट से हम CFL या LED बल्ब को ही जला सकते हैं। हमें इस बल्ब को जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इससे हमें ब्राइटनेस मिलने वाला नहीं है। हाँ, हम मोबाइल को चार्ज में लगा सकते हैं, मोबाइल चार्ज होगा। फ्रेंड,
इस इन्वर्टर किट में एक चीज़ जानना होगा कि इन्वर्टर किट के इनपुट में यदि हम सप्लाई को चेंज करते हैं तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि इसके आउटपुट को यदि हम लोग इसके इनपुट के टर्मिनल को यदि हम लोग चेंज कर देते हैं, गलत तरीके से जोड़ते हैं, यानी कि प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में जोड़ते हैं, तो हमें आउटपुट नहीं मिलने वाला है। चलिए उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्लस को हमने नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया, और ये जो है नेगेटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। देखिए फ्रेंड, ये बल्ब नहीं जल रहा है, बल्कि हम इसको यदि अपोजिट कर देंगे तो ये फिर जलेगा। इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ तो ये जलेगा। इसका मतलब है कि इसको सही टर्मिनल में जोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ये देखिए, देखिए हमारा बल्ब जल चुका है। तो फ्रेंड, ये था उपेंद्र का इन्वर्टर किट, जिसको हम 12 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। 150 वाट तक का लोड यह चला सकता है। एलईडी और सीएफएल हम इसमें यूज करते हैं, एलईडी और सीएफएल को जलाने में। इसके अलावा हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।